विकसित भारत संकल्प यात्रा का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 5 राज्यों में हरी झंडी दिखाकर आगाज किया है। पूरे देश में जिस प्रकार से विकसित भारत यात्रा चल रही है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने 10 वर्षों में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में जो काम किया है। और आज मोदी की गाड़ी हर ग्राम पंचायत पर जाएगी, मोदी गाड़ी हर नगर निगम नगर पालिका के वार्डों में जाएगी। जो लाभार्थी इसमें शेष रह गए हैं, उन लाभार्थियों को जोड़ने का काम हम जनप्रतिनिधियों का माध्यम से होगा। आज यहाँ पर शुरुआत हुई है, कल मेरे बगरू विधानसभा में आशावाला और श्रीराम की नांगल में कार्यक्रम है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति के सर पर छत देने का काम किया है, हर घर में नल देने का, पानी के लिए नल द्वारा पानी, शुद्ध पानी पिलाने का काम किया है, हर बहनों को उज्ज्वला गैस योजना देने का काम किया है, हर परिवार में आयुष्मान भारत को जोड़कर परिवारजनों को स्वस्थ रहने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी योजनाएं जो भारत सरकार की है, इन योजनाओं को हम लाभार्थियों तक पहुँचाने का काम करें। आज एक दिन वो था जो कोई बैंक को देख सकल नहीं देखता था, आज एक दिन वो है जहाँ 51 करोड़ खाते खुले और उसमें हमारी बहनों के 27 करोड़ खाते हमारी बहनों ने खोले। तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भिजवाता हूँ, नीचे जाते जाते 15 पैसा रह जाता है, और आज के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ। और किसान समृद्धि योजना के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री को कि पहली बार भारत आज़ाद होने के बाद अगर किसी किसान को सम्मान देने का काम किया है तो इस भारत सरकार ने काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और उनका पैसा जैसे ही प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं उनके खाते में 2000 रुपये की राशि जाकर जमा हो जाती। हमने भी यहाँ पर राजस्थान सरकार ने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसके माध्यम से 6000 केंद्र से आएंगे, 6000 हमारे राजस्थान सरकार देगी और हर किसान को 12000 रुपये सालाना सम्मान निधि के रूप में देंगे। मैं समझता हूँ कि इतनी जो योजनाएं लाभार्थ की जो योजनाएं, उन योजनाओं का सीधा सीधा लाभ जनता तक पहुँचे, जनता की सरकार जनता तक जाए। और मैं धन्यवाद देना इसलिए भी चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, जो आज नोडल अधिकारी जो लगाए हुए हैं, चाहे वो पंचायत में हो चाहे वार्ड नगर निगम के वार्डों में, वो अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाएं और जनता की सेवा करने के लिए, जनता के सेवक के रूप में, जनप्रति तो है ही पर सरकारी अधिकारी भी वहां तक जाकर जनता को सीधा सीधा लाभ दें। आज आपको अभिनंदन पत्र दिया गया, उसके बारे में आप कुछ बताएं। मैं ग्राम पंचायत लदरना से सरपंच एम लता शर्मा हूँ। ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत लदरना को चुना गया है, 5 मॉडल गांवों के तहत, उसी के लिए ये अभिनंदन पत्र दिया गया है। क्या कार्य करिए आपने गांव में, ऐसे क्या क्या कार्य किया आपने? गांव में हमें स्वच्छ अभियान चलाया था, उसमें सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ अभियान के तहत इसे चुना गया है गांव को, जल मिशन योजना के अंदर। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आज प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के रवाना की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विकसित भारत संकल्प यात्रा देखने में तो एक कुछ दिनों की बदलाव से जुड़ी यात्रा है, लेकिन यह है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों के भारत की एक गंभीर प्रयत्नों वाला संकल्प लिए हुए है। इससे देश में बदलाव की लहर दिखाई देगी और आम आदमी तक लाभ पहुंचेगा। आम आदमी तक उस तरह का लाभ पहुंचेगा जिससे उनके जीवन में बदलाव हो, और वही बदलाव जनता देखना चाहती है। तो इस यात्रा में हम सब शामिल हैं और इसकी सफलता के लिए हम लोग सुनिश्चित हैं और शुभकामना व्यक्त करते हैं। आने वाले 5 साल बाद क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो आप लोग अब MLA बने हैं और आने वाले 5 साल तक जो कार्य करेंगे, तो राजस्थान में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आने वाले 5 साल तक? एक खुशहाल राजस्थान की तस्वीर सामने आएगी।